देख सकते हैं कि हम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद भारत अब सूरज की दीदार करने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने अब सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी की है। ये भारत का पहला सौर मिशन है। इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस यान के सभी पेलोड यानी उपकरणों को पूरी तरह से चेक कर लिया गया है। इस मिशन पर लगभग 378 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौरमंडल में पाए जाने वाले कण पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में कैसे फंस जाते हैं, इसके अलावा सूर्य की लपटें धरती पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कैसे असर डालती हैं। आदित्य L1 मिशन इसके अलावा सूर्य के कई और रहस्य दुनिया के सामने लाएगा। आदित्य मिशन सूरज के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये संभव नहीं है। आदित्य मिशन धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। आदित्य L1 में लगा कैमरा सूरज की HD फोटो लेगा और वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा। बात यदि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी की करें तो वो 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त लगता है। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 पॉइंट कहते हैं। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। इस जगह पर रहकर यान सूरज की आग से बर्बाद होने से बचा रहेगा। आइए आपको बताते हैं L1 पॉइंट किसे कहते हैं। L1 पॉइंट सौरमंडल में वो जगह है जिसको लॉन्ग्रेन पॉइंट कहते हैं। अंतरिक्ष में दो ग्रहों या सितारों के बीच में मौजूद खास पॉइंट को L1 पॉइंट कहा जाता है। L1 पॉइंट पर दो ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट कम एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पर बना रह सकता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे अंतरिक्ष में पार्किंग कहते हैं। इस पॉइंट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को दोनों ही ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी अपनी ओर नहीं खींच सकती। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लॉन्ग्रेन पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। ये पहला मिशन होगा जिससे हम सूरज के बारे में जानकारी लेंगे। खास बात यह है कि जहां आदित्य L1 पहुंचेगा वहां सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं पड़ता, यानी रिसर्च में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस मिशन के बाद भारत की कोशिश है कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएं जो पहली कोशिश में L1 पॉइंट पर पहुंच सके हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया में कब कब किसने सूर्य मिशन भेजा है। दुनिया भर में अब तक कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां अपना मिशन भेज चुकी हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन 1960 में भेजा था। जर्मनी ने 1974 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के सहयोग से भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला स्पेस मिशन 1994 में भेजा था।